अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफ़ें, तमाम दुख दूर करे जी, ढेर सारी खुशियां दे आपको और आपके बच्चों को, तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे जी, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आज आपको पार्ट टू दिखाएंगे उनकी शादी का, और दरमियान में थोड़ा सा जब वो जाते हैं, जैसे हम लोग निकाह करते हैं, वो भी अपने वो गुरुद्वारे में जाके, तो कुछ उसकी उनकी लामी वगैरह होती हैं जो फेरे लेते हैं, वो मैं हम लोग नहीं जा सके क्योंकि वो उनका 10 बजे थे, 10 बजे के करीब था, और हम लोगों ने 1 घंटा तय करके जाना होता है। तो फिर 10 बजे के बाद वो जब लामे करते हैं तो उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वो नहीं देखा और मिस कर दिया। तो एक्चुअली ना, मैंने अपनी जो फ्रेंड की बेटी थी उसको बोला कि मुझे अपने फ़ोन से छोटा सा क्लिप दो, वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे। और ये देखें जी, मैं आज गरारा पहन के जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने ख़ास तौर पे स्पेशली वो मुझे रिक्वेस्ट की कि तुम ना गरारा या शरारा पहन के नहीं आई, तो मैंने कहा मेरे पास है तो मैं इंशाल्लाह कल पहन के आऊँगी। आज वो बहुत हैप्पी है तो देख के मैंने पहना हुआ था। और ये देखें जी, उसकी फैमिली बैठी हुई है, वो मेरी फ्रेंड की, और ये बेटी है और ये वो खुद है। तो यहाँ पे माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। मेहमानों के आने से पहले मैं 2 दिन गोलगप्पे खा के, मेरा थोड़ा सा आज गला ख़राब हो गया, थोड़ा बोला नहीं सही जा रहा। तो इनकी शादी में गिद्दा तो लगातार चलता रहा, कभी आगे बॉयज़ करते थे, कभी गर्ल्स, कभी जो लेडीज़ हैं ओल्ड, और वो सब, मतलब हर कोई बंदा ना, वो बच्चे, इवन उनके बच्चों को इतना अच्छा डांस आ रहा होता था। ये छोटी सी बच्ची और मुझे खुद कह रही है कि आप मेरी वीडियो बनाए ना, तो जाके शुरू हो गई है। और उसके बाद जी, ये औरतें सब बाहर इसलिए निकली हैं क्योंकि अभी तक दूल्हा दुल्हन नहीं आए, और इनके वो उनका वेट कर रही हैं सब बाहर जाके। और यहाँ पे स्टार्टर जो है वो शुरू हो चुका है, यानी ये पहले ही लगा देते हैं और सारा दिन ये स्टार्टर को एंजॉय करते रहते हैं, एंड पे जाके ये अपना खाना लगाते हैं। और ये दुल्हन के मेके वाले बैठे हुए हैं सारे, आज इन्होंने चमकीले चमकीले थोड़े थोड़े कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कल तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल, शायद इनको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। खैर, उसके बाद दुल्हन आ गई और सब ने फिर से वैसे ही इस्तकबाल किया उसका, गिद्दे के साथ, और उनके ऊपर ये दुपट्टा वगैरह लेके आए। और उसके बाद इनको, इनके ऊपर बहुत सारे सब मामियाँ मामे सब पैसे फेंक रहे थे, और भी चच्चे चाचियाँ सब भी फेंक रहे थे और पैसे। खैर, इस तरह वो पैसे फेंक रहे थे और साथ में एंजॉय कर रहे थे, सब ने फिर से वो गिद्दा डाला। बहुत ही एंजॉय करते हैं ये लोग, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, ना कोई एक साइड पे बैठ के किसी की बातें कर रहा है, ना कोई ऐसे, सब हंस रहे हैं, सब गिद्दा डाल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। मैंने देखा है कि उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको नहीं वो लोग जानते थे, लेकिन फिर भी वो आए हुए थे शादी पर और सब गिद्दा डाल रहे थे। और दुल्हन भी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, क्यूट सी, और साथ में वो भी ऐसे झूम झूम के गिद्दा डाल रही थी। और दूल्हा ये है जिसने पग पहनी हुई है, और इनमें रवाज है इस तरह पग बांधने का, तो उसने ये पहनी हुई थी, और सब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। Thank you.
और साथ साथ अब खाना लगना भी शुरू हो गया, और ये लड़के जो हैं ये साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में ये गोलगप्पे भर भर के सबको दे रहे हैं, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा खाना भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा खाना नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है जो कि जिसमें फ्रूट चाट है, थोड़ा एक्स्ट्रा उन्होंने रात की निस्बत ज़्यादा कर दिया है, थोड़ा दही बड़े और ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने लगा दी हैं, और मैं भी अपनी प्लेट ले आई हूँ और हस्बैंड के लिए भी लेके आई हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे औरतें ज़्यादा, तो इस वजह से वो नहीं आगे वो जा रहे, और इसी तरह वो खा पी के सब फिर से डांस वही मतलब गिद्दा डालना शुरू, मटियारे पंजाब की शुरू कर देती हैं, और माशाल्लाह इनके कद वगैरह भी बहुत लंबे हैं और बहुत, एक तो इनका जो अहलाक है वो बहुत अच्छा है, और ऊपर से इतना अच्छा वो गिद्दा डालती हैं, फेरी डाल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, यहाँ पे शादी देखने का मज़ा आ रहा है, जो हम फिल्मों में देखा करते थे और सोचते थे कि ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या है इतना, तो ज़्यादातर ये इन पंजाब की जो शादियाँ होती हैं वो हमारी तरह ही मिलती जुलती होती हैं, थोड़ा जाहिर है इनका कल्चर और है, थोड़ा सा डिफरेंट है हमसे, तो वैसे वो रस्में वगैरह काफ़ी सारी मिलती जुलती हैं हमसे। Thank you.
अच्छा भाई, यहाँ पे जी मैंने अपनी फ्रेंड को फिर से रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि मुझे गिद्धा डालना नहीं आता, मैं कभी नहीं डालती। तो खैर उसने मेरे लिए वो भी डाला। और ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, जिनके पास मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। और साथ में ये देखे उन्होंने, अब खाना से शुरू हो गया और रसमलाई बनाई हुई थी और मिक्स वेजिटेबल बहुत ज़्यादा। इन लोगों की दालें, सब्जियाँ और पनीर वगैरह ये सारा कुछ बनाते हैं ताकि जो लोग गोश्त नहीं खा सकते, जिन्होंने नहीं खाना होता वो खाएँ। और गोश्त भी था, चिकन वगैरह है, वो तो हमने नहीं खाया। लेकिन ये देखें, दाल मखनी और चिकन पनीर, वेजिटेबल सारी मिक्स करके इन्होंने बनाई हुई थी। और साथ में वाइट राइस थे और लेमन वगैरह, मतलब इतना सिंपल खाना भी था और दूसरा भी था, मतलब तो बहुत ही मज़ेदार खाना था इनका। सिंपल सिंपल, ना ज़्यादा इन्होंने मिर्चें वगैरह तो नहीं, खैर खुद तो ये खाते हैं, लेकिन शायद ज़ाहिर है वहाँ पर जर्मनी लोग थे, जर्मन के लोग थे, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा वो कम डाला हुआ था। लेकिन बहुत ही मज़े का खाना था, साथ में बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। एक लाइन बन के वो लेते थे तरतीबवार, और जो आता था एक, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल के ले जाता था ताकि उसे बार बार लाइन में ना लगना पड़े, क्योंकि लाइन में लगना बहुत मुश्किल था। हम लोगों को तो मुश्किल लगता है, लेकिन उनकी तो रूटीन है, वो तो गुरुद्वारे वगैरह में भी जाते हैं अपने, तो इसी तरह लाइन बना के खाना लेते हैं। और यहाँ पे भी वो इसी तरह लाइन बना के तो वो खाना ले रहे थे, कोई किसी को दिक्कत नहीं, कोई मसल तंग नहीं कर रहा था। ऐसे आराम से एक प्लेट पकड़ी और उसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपनी पसंद की डालते जाओ और आगे चलते जाओ। और ये देखें, लाइन जो इतनी लंबी लगी हुई है ना पीछे, ये सब लोग वेटिंग पे हैं और साथ में बातें भी हो रही हैं, साथ में वहाँ पर खड़े हैं और अपनी अपनी प्लेट। इस वक्त खाना लगा हुआ है इसलिए इतनी लंबी लाइन है, नहीं तो नॉर्मल वो आते जाते हैं, लेते जाते हैं। तो अभी खाना लग गया है तो जाहिर है सबको जाने की भी जल्दी है, लेकिन जो गिद्धा है वो साथ साथ चल रहा है। दुल्हन और दुल्हा को जो गिफ्ट वगैरह हैं वो भी चल रहे हैं साथ साथ, वो ऊपर थक के बैठ गए हैं और उनको गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो उनके रिलेटिव हैं वो उसी तरह इंजॉय कर रहे हैं, तो लड़कियाँ साथ में गिद्धा डाल रही हैं, मज़े कर रहे हैं। इस तरह की शादी थी माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। पीछे भी ठो नाल ला के खिलार गए ने अगे भी। और ये देखें, ये है होटल जहाँ पे शादी अभी भी जा रही है। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, बहुत रात हो गई है तो हमने सोचा अब चलते हैं। गुड बाय शादी, गुड बाय शादी। और ये है इनका जो मजहबी फरीज़ा इनका होता है। और ये गुरुद्वारे में गए हुए हैं लड़का और लड़की, वहाँ पे ये फेरे लेते हैं और साथ में वो कहते हैं कि हमने मत्था टेक है, मत्था टेकते हैं। इस तरह सारे ऊपर अपने सरों पर रुमाल पहन के जाते हैं। और वहाँ पे ये मैं नहीं जा सकी क्योंकि सुबह सुबह 10 बजे जाना था, तो मैंने ये क्लिप अपनी फ्रेंड से लिया था, मैंने पहले भी बताया। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।